आज हम बात करेंगे डिफरेंट मेकअप बेसिस के बारे में, किस स्किन के हिसाब से किस तरह का बेस लगाना चाहिए, आज हम उसकी नॉलेज आपको देंगे। आज हम नॉर्मल स्किन के हिसाब से सबसे पहले हम बेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास वाटरप्रूफ बेसिस हैं। सबसे पहले चेक किया जाता है कि कौन सा कलर स्किन के हिसाब से जाएगा। ये हमारे पास मॉडल हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनके स्किन का टोन क्या है, उस टोन के हिसाब से हम कलर चूज़ करेंगे। जो भी कलर आप चूज़ करें उसे आप पहले अपनी जॉ लाइन है उस पर आप लगा कर देखें। हमेशा जो भी बेस आप चूज़ करें अपने लिए या अपने किसी और जिसके ऊपर आप मेकअप कर रहे हैं, हमेशा वो बेस एक शेड फेयर होना चाहिए। अब हमारी मॉडल का टोन पेल टोन है और येलो टोन का मिक्सचर है, तो हम दोनों टोन्स जो बेस कलर हमने लगाया है उसके साथ साथ लगाएंगे। जो बेस शेड आपने चूज़ किया है उसके बाद हमने टोन जो येलो टोन है उस वो कलर लगाया है। येलो टोन लगाने के बाद हम पेल टोन के थोड़े से डॉट्स लगाएंगे। जो भी आपने बेस लगाया है वो याद रखें कि आपने वो बेस कानों पे भी लगाना है, नहीं तो वो स्किन अलग दिखती है। अब इस बेस को स्मच करने के लिए हमारे पास दो टूल्स होने चाहिए, या तो एक स्पॉन्ज या हमारे पास एक जो पैनकेक मिक्स करने के लिए जो ब्रश आता है वो हम यूज़ करते हैं। स्पॉन्ज को हम गीला करेंगे और बहुत सॉफ्ट स्ट्रोक्स के साथ हम बेस को फैलाएंगे। जो क्रीज लाइंस होते हैं उनका खास ख्याल रखें, नहीं तो बेस वहाँ पर जम जाता है और बाद में वो फिर वो लाइंस क्रिएट करता है। अब इस बेस को सेट करने के लिए हमें लूज़ पाउडर चाहिए। लूज़ पाउडर का कलर भी हमें वो लेना है जो स्किन टोन से मैच करे। लूज़ पाउडर लेने के बाद एक्स्ट्रा जो है वो हम डस्ट ऑफ कर देंगे और बेस के ऊपर उसे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आप पॉलिशर ब्रश लेंगे और नॉर्मल पॉलिश करेंगे। ये हमारा एक नॉर्मल स्किन का बेस तैयार। अब बारी आती है ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन में हमें बेस कैसे बनाना है? ड्राई स्किन का जैसे सब जानते हैं, ड्राई स्किन में ऑयल की कमी होती है, पानी की कमी भी होती है, तो उसे पूरा करने के लिए हमें बेसेस ऐसे चूज़ करने चाहिए जो पानी और ऑयल दोनों की कमी को पूरा करें। इसके लिए बेसेस लिक्विड फॉर्म में आते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ड्राई स्किन का मेकअप। शेड चूज़ करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी शेड आप चूज़ कर रहे हैं फेस के हिसाब से, वो शेड हमेशा एक शेड लाइटर होना चाहिए। अगर आपको स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई लग रही है या बहुत ज़्यादा फटी हुई लग रही है, तो मॉइस्चराइज़र कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लेके स्किन पे ज़रूर मसाज करें। मसाज करके स्किन को पूरा ड्राई करें, एक अच्छा टोनर लगाएं और उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट करें। फाउंडेशन स्मज करते करते कभी कभार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस लगने लगती है, तो उसके लिए हाथों में हल्का सा मॉइस्ट हाथ करके फिर मेकअप को फैलाना शुरू करें। बेस को स्मज करने के बाद अब ज़रूरी है बेस को सेट करना। बेस को सेट करने के लिए जैसे कि हमने पहले किया था, लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लूज़ पाउडर ही आपके किसी भी तरह के बेस को सेट करता है। लूज़ पाउडर जो हमने लगाया पॉलिशर ब्रश के साथ, उसे अब हम स्मज कर रहे हैं। तो ये था एक ड्राई स्किन का बेस। ऑयली स्किन का बेस बनाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि ऑयली स्किन में सबसे ज़्यादा तेल बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्लिंजिंग टोनिंग करने के बाद एक बर्फ़ को टिश्यू पेपर में लपेटेंगे और फेस पे पूरे फेस पे उससे चलाएंगे। जो भी आप बेस लगा रहे हैं ध्यान रखना है कि वही बेस आपने नेक पे भी लगाना है, साथ ही साथ कानों पे भी लगाना है। जो भी एक्सपोज्ड एरियाज होते हैं वही सेम बेस पूरा चलेगा।
बेस लगाने के बाद ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पैनकेक्स आते हैं। पैनकेक्स हमें स्किन के साथ मैच करने हैं कि कैसा उनका स्किन टोन है, उसके हिसाब से हम पैनकेक लेते हैं। हमेशा जो भी कलर आप चूज़ करें वो हमेशा एक शेड लाइटर होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप स्पॉन्ज लीजिए, उसे अच्छे से गीला करिए। गीला करने के बाद हमें बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने स्पॉन्ज पे उठाना है। जो भी आप प्रोडक्ट लें हमेशा अपने हाथ पे पहले चेक करके देखें कि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा तो नहीं है। छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ दोबारा हम मेकअप बेस लेंगे। आईज के नीचे वही डैबिंग मूवमेंट्स हम यूज करेंगे। पैनकेक वॉश बनाते ही आप डिफरेंस देखते हैं स्किन में। ये स्किन हमारी नेचुरल लगने लग जाती है और जो बेस है वो इतनी नेचुरल नहीं लग रही है, और जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया था। तो ये था ऑयली स्किन के हिसाब से एक मेकअप बेस जो आप घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आज आपने देखा डिफरेंट स्किन टाइप के हिसाब से डिफरेंट बेसिस कैसे लगाने हैं।